ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਪਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਸ ਰੀਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਿਓ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अब हाँ रील भी इन लोगों ने बच्चों ने बना ली। अब बच्चे हैं, अब ये तो कर ही सकते हैं साहब। सोशल मीडिया पे चलाए, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई गलत कार्य वो नहीं कर रहा था। और अभी मेरे कोई गाड़ी नहीं है, मेरी वाइफ के नाम एक जीप है जो मेरे गांव में है, और कोई मेरे पास गाड़ी नहीं है। स्कूल में दोस्त थे, उनके परिवार में ऐसी गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन गाड़ियों के साथ कभी बैठ जाता है या कभी उनके साथ चल जाता है। अभी कम उम्र थी, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कार्य नहीं करेगा, और उसको मैं ऐसे समझा के प्यार से मैंने समझाया। मामला की है वो भी दस दिन नहीं। दरअसल वीडियो च देखा जा सकता है कि मैं ओपन जीप ते डिप्टी सीएम दे पुत समेत चार नौजवान सवार ने, ते जीप दे पिछे पुलिस एस्कॉर्ट गड्डी भी नजर आ रही है। इस वीडियो दे वायरल होने मगरों इल्जाम लग रहे ने कि डिप्टी सीएम दे पुत वल्लों कानून दे नियमा दियां धज्जियां उड़ाईयां गईयां, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दी दुरवरतों की गई। दसदी कि वीडियो राजस्थान दे उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद पैरवा दी है, जो अपने दोस्तां नाल रील बना रहा सी, ते इसे दरमियान उन्हां दी जीप दे अगे पिछे पुलिस एस्कॉर्ट गड्डियां भी देखियां गईयां, जिस तो बाद सवाल चुके गए कि मौज मस्ती ते रील दे लई पुलिस एस्कॉर्ट गड्डी लीडरां दे पुत नूं किवें दित्ती जा सकती है, क्यों इस वीडियो बारे डिप्टी सीएम नूं नहीं सी पता। दसदी कि वीडियो दे विच डिप्टी सीएम दे पुत आशु बैरवा दे नाल तीन होर नौजवान भी नजर आ रहे हैं, जिस दे विचों एक नौजवान कार्तिक भारद्वाज दसिया जा रहा है, जो कि कांग्रेसी लीडर का पुत दसिया जा रहा है। पुत की इस वीडियो तो बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद पैरवा का की कहना है, तुसी भी सुनो। सोशल मीडिया पे ही मुझे पता लगा है, और जो मेरा बेटा अभी सीनियर पास किया है और स्कूल में पढ़ता था, स्कूल वाले उसके दोस्त थे वो, और आर्थिक स्थिति से संपन्न थे वो दोस्त, उनके पास गाड़ियां थी, वो उस गाड़ी में जाके बैठ गया। मैंने जैसे मुझे पता लगा, सोशल मीडिया में देखते ही मैंने मेरे बच्चे को बुलाया, प्यार से उसको समझाया, बेटा कि मैं पापा मेरे दोस्त थे, दोस्तों के पास वो उन्होंने मेरे को नई गाड़ी थी उनके पास, मैं बैठ गया। बाकी मेरे घर में न तो मेरे गाड़ी है, अभी मेरे कोई गाड़ी नहीं है, मेरी वाइफ के नाम एक जीप है जो मेरे गांव में है, और कोई मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन बच्चे उसके स्कूल में दोस्त थे, उनके परिवार में ऐसी गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन गाड़ियों के साथ कभी बैठ जाता है या कभी उनके साथ चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी चीज़ों से भी, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी में या कहीं भी मेरी वजह से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए, और ऐसा मेरा कोई पार्टी का कहीं खराब कोई ऐसी चीज़ नहीं आए। इसलिए मैं इस बात से लिए खेद प्रकट करता हूं कि मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ गया है और सोशल मीडिया वाले इसको चलाए हैं, लेकिन ये बच्चा था, अभी कम उम्र थी, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कार्य नहीं करेगा, और उसको मैं ऐसे समझा के प्यार से मैंने समझाया है। देखिए, मेरा बेटा कहीं भी जाता है तो सिक्योरिटी के हिसाब से पीछे उनके गाड़ी थी, इसलिए तो वो दोस्तों की गाड़ी में गया था, वरना वो हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है, तो उन दोस्तों की गाड़ी में गया था, और पीछे इसके केवल सिक्योरिटी के लिए वो कुछ गाड़ी को चला के देख रहा था। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, उसके बच्चे यार दोस्त थे और हमेशा साथ पढ़ते थे, मेरे घर पर भी ये बच्चे आते जाते थे पहले भी, तो उन बच्चों के साथ अगर वो उनकी गाड़ी में बैठ गया है, उनकी गाड़ी चला ली है, और वो रील भी इन लोगों ने बच्चों ने बना ली, अब बच्चे हैं, अब ये तो कर ही सकते हैं साहब, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे को आइंदा से ऐसा हरकत नहीं करे जिससे कि हमारी पार्टी को और हमारे राजस्थान में कोई मेरी वजह से कोई इफेक्ट पड़े। लेकिन कांग्रेस वाले जो भी सोशल मीडिया पर चलाए, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई गलत कार्य वो नहीं कर रहा था, और जो भी करता है मैं मेरे परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं आमजन पूरे राजस्थान में चलता रहता हूँ,
लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं परिवार को समय नहीं दिया और पीछे से बच्चा उन बच्चों के साथ, उसके दोस्तों के साथ चला गया।